रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस अकाउंट्स में एक टॉपिक है और ये बहुत इजी है, और लास्ट टाइम एग्जाम में यही आया था, सारे थ्योरी क्वेश्चंस आए थे, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो 25 मार्क्स का था वो नहीं आया था। तो रेशो एनालिसिस भी आपको अकाउंट्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स बहुत ईजी भी दे देते हैं, तो काफ़ी ईजी है। तो चलो देखते हैं रेशो एनालिसिस क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, इसमें कुछ रेशियोज़ हैं, आपने अकाउंट्स में पहले पढ़ी होंगी, जिन्होंने अकाउंट्स पहले नहीं पढ़ा है उनके लिए भी ये बहुत ईजी है, देखते हैं। तो हमारी जो कंपनी होती है उसमें हम बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं, और सॉल्वेंसी रेशियो होती है, इन रेशियो से ये पता चलता है कि उस कंपनी की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। लिक्विडिटी मतलब कितना कैश है वो, एक्टिविटी कितना, और एक्टिविटी रेशियो से तो ये, और प्रॉफिट्स पता चलता है, और मार्केट, और इससे कंपनी की एक्टिविटीज़ पता चलती हैं, और इससे प्रॉफिट पता चलता है, और इससे मार्केट टेस्ट रेशियो है, ठीक है। तो अब इनको आगे देखते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो, दिस रेशियोज आर प्राइमरली कैलकुलेटेड टू प्रेडिक्ट द एबिलिटी ऑफ द फर्म। ये जो रेशियोज हैं ये कंपनी की एबिलिटी को के लिए चेक करने के लिए की जाती हैं, कि वो लाइबिलिटीज को, उनके पास इतना इतना पैसा है कि वो आगे चल के लाइबिलिटीज पे कर पाएगा, इंक्लूडिंग दोज आर नॉट करंटली पेएबल, जो अभी पे नहीं भी करनी है। अ सेट ऑफ रेशियो गिव इन्फॉर्मेशन ऑन द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। इसमें ये देखा जाता है कि वो जो हमारे पास लोन्स हैं उनको आगे चल के पे कर पाएगी कि नहीं, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आर दोज, लॉन्ग टर्म वो होती हैं जो काफ़ी टाइम बाद हमें पे करनी होती है, मेट इन द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आर टू बी मेट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, जो हमें उसी सेम ईयर में करनी होती है। तो हमने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म का यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी ली, और सॉल्वेंसी रेशियो क्या होती है ये भी देख ली। तो द रेशियोज विच आर यूज टू मेजर सॉल्वेंसी, कुछ रेशियोज हैं जो सॉल्वेंसी को मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं, जैसे प्रोप्राइटरी रेशियो, तो इसका नेटवर्थ और नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, इसको डिवाइड करने पे हम ये निकाल सकते हैं इजीली। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगी। इंटरेस्ट कवर रेशियो, इंटरेस्ट कवर रेशियो में हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन से पहले ही और टैक्स से पहले ही जो रेशियो होती है, जो प्रॉफिट होता है वो, उसको इंटरेस्ट से डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें हमने ना ही उसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट किया है, ना डेप्रिसिएशन, ना टैक्स डिडक्ट किया है, वो प्रॉफिट, और उससे हम इंटरेस्ट डिवाइड कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट कवर रेशियो निकल आती है। अब आते हैं डिविडेंड कवर रेशियो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो हमारा टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उससे हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं, तो हमारी डिविडेंड कवर रेशियो निकल आती है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, प्रॉफिट जिसमें हमने इंटरेस्ट और टैक्स को अभी डिडक्ट नहीं किया है उसको हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट प्लस पीरियोडिक लोन इंस्टॉलमेंट, जो भी लोन इंस्टॉलमेंट होती है, तो डिविडेंड कवर रेशियो निकल आती है। देन वी कम टू डेट इक्विटी रेशियो, इसमें लॉन्ग टर्म डेट, जो लॉन्ग टर्म के लिए किसी ने हमसे लोन लिया है, और अपॉन शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड रेशियो, शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, जो हमारी कंपनी के टोटल फिक्स्ड कर, जो फिक्स्ड और करंट दोनों को मिला के जो एसेट्स होते हैं वो माने जाएंगे। डेट टू नेट वर्थ रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट जो होता है हमारा उसको नेट वर्थ से डिवाइड किया जाता है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। शेयर होल्डर फंड, फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड रेशियो, तो हमने इसको इक्विटी शेयर होल्डर फंड से डिवाइड किया है यहाँ पे, और फिक्स एसेट टू लॉन्ग टर्म रेशियो में फिक्स एसेट्स को लॉन्ग टर्म फंड से डिवाइड करेंगे तो हमारी निकल आएगी। अब हम आते हैं लिक्विडिटी रेशियो में, तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए, जो भी हमारे शॉर्ट टर्म के जो लोन्स होते हैं वो हम पे कर पाते हैं, उसकी एबिलिटी है कि नहीं उसके लिए निकाला जाता है। करंट रेशियो, दिस रेशियो मेजर द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, इससे कंपनी की सॉल्वेंसी जो शॉर्ट रन में होती है वन ईयर के लिए उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स लोन एंड एडवांसेस को करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन से डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी सिंपल सी रेशियो देखें तो करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटीज, तो करंट एसेट्स है क्या, दिस रेशियो मेजर्स द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी इन वन ईयर। करंट एसेट आर दोस विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद वन अकाउंटेड पीरियड, वन अकाउंटेड पीरियड में जिसको कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है वही करंट एसेट। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या है, जो हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है 31 मार्च को एंड होता है नेक्स्ट ईयर। अब करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो हमें वन ईयर के अंदर ही पे करनी होती हैं। तो अगर किसी भी कंपनी की रेशियो 1.33:1 होती है तो ये मिनिमम रेशियो है,
ये बैंक में मिनिमम इतनी रेशियो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हम जब कंपनी में जब हम वर्क कर रहे हैं तो कुछ पैसा हमें कैश में रखना होता है, अगर अचानक ज़रूरत पड़े तो हम उसको पे कर सकें। तो अ वेरी हाई रेशियो इम्प्लाइज दैट द फर्म हैज़ ब्लॉक द, अगर ये रेशियो हाई है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने बहुत सारा कैश अपने पास ब्लॉक करके रख रखा है, फंड आइदर इन्वेंट्री डेटर्स और आइडल कैश में, या तो उसने बहुत सारी स्टॉक रख रखा हुआ है या डेटर्स हैं या फिर आइडल कैश। ठीक है, तो देन वी कम टू क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होती है, करंट एसेट लोन एंड एडवांसेस में से हम स्टॉक या फिर इन्वेंचरी भी बोलते हैं इसको से माइनस कर देते हैं, और करंट लाइबिलिटी और प्रोविजन में से हम बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देते हैं, और इन दोनों को फिर डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारी क्विक रेशियो हो जाती है। तो दिस रेशियो इज मॉडिफिकेशन, ये करंट रेशियो की मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, इन्वेंचरी को स्टॉक को सब्ट्रैक्ट किया जाता है करंट एसेट से, और बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लाइबिलिटी से। तो रीजन क्या है, हम क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, द बैंक ड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय इन्वेंचरी, दिस रेशियो डिपिक्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू सर्विस करंट लाइबिलिटी अदर बैंक देन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं तो निकल आता है। तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट टू क्विक लाइबिलिटीज, हाउएवर फॉर कैलकुलेशन पर्पस करंट लाइबिलिटी आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम करंट लाइबिलिटीज को कंसिडरेशन में लेते हैं। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो में कैश, बैंक बैलेंसेज और मार्केटेबल सिक्योरिटी आती है, एंड आइडियल एब्सोल्यूट रेशियो 1:2 होती है हमारी, उससे मिनिमम 1:2 5 तक हो सकती है। तो अभी बाकी की जो भी रेशियोज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और इसके बाद मैं इनको एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगी भी। अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।